वेलकम टू सीजी फूड। आज हम बनाएंगे मूंग का सूप। मूंग का सूप टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगता है और इसे बनाने में सिर्फ 2 से 3 ही मिनट का समय लगता है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये रेसिपी डिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। मूंग का सूप बनाने के लिए मैंने 1/2 कप उबले हुए मूंग लिए हैं। मूंग को मैंने थोड़े टाइम पानी में भिगो के फिर कुकर में 3 विसल कर ली है। अब इसमें से थोड़े मूंग हम एक बर्तन में ले लेंगे और 1-2 चम्मच जैसे मूंग हम ऐसे ही रखेंगे सूप में ऐड करने के लिए। इसमें हम 3/4 कप जितना पानी ऐड करेंगे और इसे हैंड ब्लेंडर से हम ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है 1/2 टीस्पून जितना। उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करें, करी पत्ता, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ी सी हींग, थोड़ी हल्दी। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। आप लहसुन ऐड करना चाहे तो इसमें कर सकते हैं। अब जो मूंग हमने क्रश करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर दें। जो मूंग हमने रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। इसे 2 से 3 मिनट हम उबलने देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे चुटकी भर। 3 मिनट के बाद सूप बनकर रेडी है। थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे और गैस बंद कर देंगे। सूप को अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी हमने जो मेजरमेंट लिया उसमें से 1 सर्विंग बाउल सूप रेडी होता है। अब हमारा मूंग का सूप सर्विंग के लिए रेडी है। ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगता है और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मूंग का सूप बनाने के लिए